उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने कानपुर के बेकरू गांव में आठ माह पहले हुए शूटआउट में गैंगस्टर विकास दुबे को फरारी में मदद करने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से सेमी ऑटोमेटिक राइफल समेत कई हथियार व नकदी बरामद हुए हैं एसटीएफ के हाथ विकास दुबे और प्रभात मिश्रा का मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिससे कई और रहस्य उजागर हो सकते हैं एसटीएफ गिरफ्तार आरोपियों का हथियारों की तस्करी को लेकर सोर्स तलाश रही है एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया कि विकास दुबे और अमर दुबे ने फरारी के संबंध में गलत बयान दिया था घटना के बाद विष्णु कश्यप और राधे ने विकास दुबे को कार से भगाया था वारदात के बाद विकास अमर और प्रभात दो दिन तक कानपुर देहात में छिपे रहे थे इसके बाद ये सभी औरैया पहुंचे और फिर फरीदाबाद गए थे विकास दुबे का फरीदाबाद में एक होटल से सीसीटीवी भी सामने आया था जबकि फरीदाबाद से भागा अमर दुबे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एनकाउंटर में मारा गया था वहीं फ़रीदाबाद से गिरफ्तार प्रभात मिश्रा का कानपुर लाते समय एनकाउंटर हुआ था आज की कार्रवाई में एसटीएफ ने एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल मेड इन अमेरिका तीस स्प्रिंगफील्ड एक ऑटोमेटिक कार्बाइन एक रिवाल्वर एक एक नाली बंदूक दो तमंचे तीस दशमलव शून्य छह बोर के उनचास कारतूस तीन दो बोर के चालीस कारतूस ए के सैतालीस के दो कारतूस सात दशमलव दो बोर के चार कारतूस बारह बोर के पच्चीस कारतूस तीन दशमलव आठ बोर का एक कारतूस विकास दुबे अमर दुबे और प्रभात मिश्रा के मोबाइल फोन यूपी अठहत्तर यू तीन हजार चार सौ इकसठ मारुति ओ मिनी कार जिससे विकास और साथियों को और बस स्टैंड तक ले गए अभियुक्तों के पास दो लाख पाँच हजार भी मिले एसटीएफ ने विकास दुबे की फरारी में मदद करने वाले सात लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम हैं विष्णु कश्यप निवासी शिवली कानपुर देहात अभिनव तिवारी उर्फ चिंकू निवासी धनीरामपुर थाना रूरा कानपुर देहात अमन शुक्ला निवासी धनीरामपुर थाना रूरा कानपुर देहात रामजी उर्फ राधे निवासी वार्ड नंबर ग्यारह तुलसी नगर रसूलाबाद कानपुर देहात संजय परिहार उर्फ पिनकू निवासी करिया झाला झींझक थाना मंगलपुर कानपुर देहात मनीष यादव उर्फ शेरू निवासी डिंडीकला थाना देहात जनपद भिंड मध्य प्रदेश शुभम पाल निवासी मंगलपुर कानपुर देहात कानपुर में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की रात दबिश पर गई पुलिस टीम पर गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी इसमें सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी घर ना को अंजाम देने के बाद ही विकास दुबे रात में ही भागकर अपने सहयोगियों के पास जाकर छिप गया था नौ जुलाई को विकास दुबे मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर से गिरफ्तार हुआ था दस जुलाई को पुलिस ने कानपुर के भौंती में उसका एनकाउंटर कर दिया था भौंती में गाड़ी पलट जाने पर विकास ने भागने की कोशिश की थी और मुठभेड़ में मारा गया था जबकि उसके पांच साथी मुठभेड़ में मारे गए और इस मामले में 36 लोग जेल में हैं सनसनी ऑफ इंडिया के लिए विजय कुमार दिवाकर की रिपोर्ट अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें